शहरों में बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या अब आम हो चली है। शहर कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ भी काफी जनसंख्या और पॉल्यूशन हो गया है। ऐसे में लोग हरियाली के माहौल में अपने और अपनों के लिए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। महानगर कोलकाता से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इमामी आस्था लोगों को हरियाली और हर तरह की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा से लैस अच्छे और मनोरम आशियाना देने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसे हर तरह के लोगों के बजट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि साल 2026 के अंत तक सभी ग्राहकों को उनके आशियाने की चाबी सौंप दी जाएगी। इमामी आस्था प्रोजेक्ट 40 एकर्स का टाउनशिप प्रोजेक्ट है। ये एक अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस प्रोजेक्ट का थीम जो है ये पूरा एक नेचुरल एनवायरनमेंट फ्लोरा फौना को रखते हुए कॉन्सेप्ट बनाया गया है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि हम लोग की बिजी लाइफ में, हम लोग जब सिटी ऑफ कोलकाता में रहते हैं तो वो इसमें इतना पोल्यूशन, इतना एनवायरनमेंट में इतना डिसबैलेंस हो रखा था कि हम लोग का नेचुरल स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा था। और ये कोविड सिचुएशंस में हम लोगों ने एक हाइजीन और ये जो एक जो फीलिंग ऐसे आ गई थी कि हम लोग नेबर्स के साथ और ये अपना लिफ्ट शेयरिंग के साथ जो एक फीलिंग आ गई थी, किसी को स्पेस नहीं मिल रहा था, बाहर निकलते थे अपना मास्क निकाल के निकलते थे, एनवायरनमेंट के अंदर इन्फेक्शस नेचर आ गया था, उस वक्त ये हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करा कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट रहने के, नेचुरल थेरेपी के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करा जिसमें बंगलो कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट स्पेस आया, एक संतुलन आया कि नेचुरल एनवायरनमेंट रहने के लिए नेचुरल सैंक्टिटी को रखते हुए लाखों ट्रीज़ हमने प्लांट करने का यहाँ पे रखा हुआ है कि नेचुरल यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ट्रीज़ हैं और भी लाखों ट्रीज़ में प्लांट करेंगे, यहाँ पे नेचुरल फ्लोरा और फौना मेंटेन करेंगे, एक समझिए कि एक मिनिएचर सुंदरबंस यहाँ पे बनाएंगे नेचुरल सिक्योरिटी के साथ। इसमें बाउंड्री पूरी होगी चारों तरफ से, गेट सिक्योरिटी होगी, CCTV चारों तरफ से होंगे, पूरा नेचुरल सिक्योरिटी इसके अंदर होगी इसके अंदर, और उसमें वाटर बॉडीज होंगे। समझिए कि एक फैमिली जब रह रही होगी, सुबह उठेगी तो जब पर्दा खोली के अपने खिड़की का, तो सामने उसको पेड़ दिखेंगे, वहाँ पे चिड़िया दिखेगी, वहाँ चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आएगी, विंड की आवाज़ आएगी, हवा की आवाज़ आएगी, बाहर निकलेगा तो गीली घास पे चलने का मज़ा आएगा, थोड़ा दूर चलेंगे तो पानी की आवाज़ आएगी, ठंडी हवा का झोंका आएगा, तो वो जो फीलिंग है जो हम लोग अपना नेचुरल लाइफ से, सिटी लाइफ में दूर होते जा रहे हैं, उस फीलिंग को वापस, उस अवस्था को वापस लाने का हमारा उद्देश्य है। तो मेट्रो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पास आ गया और मेट्रो एक्सटेंशन भी यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट्स और ये सब ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी सारी यहाँ पर है, तो कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरटेल वेयरटेल के साथ हम यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छा खासा है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पे 377 बंगलोज प्लान करे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कम बंगलो प्लान करे और ग्रीन्स ज़्यादा देने का हमारा उद्देश्य आया है कि मैक्सिमम ग्रीन्स एंड ओपन स्पेसेस यहाँ पे प्लान करें। यहाँ पे करीब बहुत सारे गार्डन्स एंड ओपन स्पेस, यहाँ पे 60% एरियाज़ यहाँ ग्रीन्स एंड ओपन स्पेसेस हमने रखे हैं, ओनली 40% एरियाज़ में हमने यहाँ पे बंगलोज प्लान करे हैं। 377 बंगलोज में 7 टाइप ऑफ बंगलोज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.47 कट्ठा टू 12 कट्ठा तक, प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 84 लाख टू अराउंड 5 करोड़ रुपीज़, तो हर तरह की अफोर्डेबिलिटी है। इसमें बड़ी ताजुब की बात यह है, जब हमने कोविड टाइम में ये प्लानिंग करनी शुरू करी थी तब हमने सोचा था कि ये सेकंड होम्स तरह के कॉन्सेप्ट में प्लान होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे 84% लोगों ने फर्स्ट होम के तरह ख़रीदा है। इसका मतलब ये नीड कितनी ज़्यादा है आज के टाइम पर हमारे कोलकाता वासियों की, कि इस तरह के लोग की तलाश कर रहे हैं।
अभी तक ही हमारे एक साल के बाद से लॉन्च का टाइम हुआ है और उसमें 50% ज़्यादा सेल हो चुकी है, आप समझिए। और हम एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने बनाया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी जल्दबाजी में डिसीजन ले। आपने देखा होगा इस एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर हमने फर्स्ट जोन रखा है क्रेडिबिलिटी जोन, जिसके अंदर हमने इमामी ग्रुप की लेगेसी को हमने पूरा दिखाना चाहा है। सेकेंड जोन बनाया है प्रोडक्ट जोन, जिसके अंदर लाइव मॉडल हमने रखा है, 1:300 का स्केल रखा हुआ है, जिसमें हर आदमी अपने बंगलों को देख सकता है कि मेरा बंगलों की पोजीशनिंग क्या है, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, मेरे बंगलों के आगे क्या है पीछे क्या है, फैसिलिटीज़ मेरे से कितनी दूर पे रहेगी, एंट्री कितनी दूर पे रहेगी, सिक्योरिटी कितनी दूर पे रहेगी, ठीक है, हर चीज़ का इन्फॉर्म डिसीजन है। फिर AV रूम है जिसमें वर्चुअल वॉक थ्रू है, जिसका मेरा कर्व्ड स्क्रीन है। पूरे कोलकाता में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है जिसमें इतना बड़ा कर्व्ड स्क्रीन हो। दूसरा एक प्रोडक्ट स्क्रीन है जिसका एक फ्लोर स्क्रीन है, पूरे कलकत्ता पूरे ईस्ट इंडिया के अंदर से प्रोडक्ट स्क्रीन ऐसा नहीं है, आप AV रूम में जाकर देखा होगा। और उसके बाद फिर आपका एक पूरा जोन है, प्रोडक्ट जोन है, फिर इसका ये इंटरैक्टिव जोन है, ये चार जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। उसका उद्देश्य ये है कि हर आदमी देखभाल करके, सिर्फ एक अच्छे ब्रोशर को देख कर नहीं या सेल्समैन के टाई और पैंट को देख कर नहीं, एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। इसका उद्देश्य एक्सपीरियंस सेंटर का यही है, इस सेंटर बनाने का एक उद्देश्य मेरा। 2026 से हम हैंडओवर देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया फैसिलिटी रखी है, यहाँ पे फ्लोटिंग कैफ़े, यहाँ पे पूरे यहाँ पे मतलब इंडिया में शायद ही ऐसा कोई जगह है यहाँ पे फ्लोटिंग कैफ़े, यहाँ पे कैफ़े बना रहे हैं जो कि फ्लोट करता रहेगा। यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे बोगनविला विलास है, एरोमा गार्डन्स है, यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ हैं, फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं, बोटिंग्स हैं, पैडल बोट्स हैं, यहाँ पे एक स्टार गेजिंग डेक है जहाँ पे हम टेलीस्कोप्स लगाएंगे। यहाँ पे टेलीस्कोप से बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे स्टार्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्लैनेट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ रखे हैं कि यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि ऐसा हो, यहाँ पे मिलने दिखने को मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार है, मैं यहाँ का MD और CEO हूँ। मैं संजय पुरी, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट संजय पुरी आर्किटेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया है इमामी आस्था, 40 एकड़ में 350 से ज़्यादा घर बनने वाले हैं। इमामी आस्था का जो मेन फंडामेंटल है कि इसमें आपको 101 रीजंस होंगे इधर रहने के लिए। ये खाली घर नहीं है जैसे हर डेवलपर बनाता है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। इसमें नेचर को बहुत अहमियत दी गई है। 30% एरिया पूरे लैंड में से खाली गार्डन्स, फॉरेस्ट और वाटर पार्क्स के लिए है। और हमने इतना केयर किया है कि आपका बंगलो सबसे छोटे साइज़ का हो या सबसे बड़े साइज़ का हो, क्योंकि इसमें 7 अलग अलग साइज़ हैं, हर एक बंगलो में प्लानिंग फंक्शनल है और हर रूम में नेचुरल लाइट कंप्लीट है, हर रूम में क्रॉस वेंटिलेशन है। ये जो बंगलोज बनेंगे इसमें आपको AC की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये सारी जो आर्किटेक्चर है पूरे प्रोजेक्ट की, इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट। आपको एयर कंडीशनिंग कम लगेगा, आपको बत्तियाँ नहीं ऑन करनी पड़ेंगी दिन भर। इट इज़ कि आप एक्चुअली नेचर में रह रहे हो, आपका घर ऐसा लगेगा कि आप एक रिजॉर्ट में हो, ये कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप कोई शहर में रह रहे हो। तो इमामी आस्था का ये पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार आदमी इधर आ जाए अंदर, पूरी गेटेड कम्युनिटी है। इसमें हर एक प्रकार के गेम्स, हर एक प्रकार के रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, हर एक प्रकार के रिलैक्सेशन स्पेसेस, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो यही टाउनशिप में मिल जाएगी, यही 40 एकड़ में है। और आपको और किधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिधर भी आप जाओ, आप रोड पे जाओ या गार्डन में जाओ या अपने घर पे हो, आपको बाहर पूरी ग्रीनरी दिखेगी।
So it's like a solar panels that we have with a secure environment.